सनातन संस्कृति में खुशबू का बहुत महत्व है। इसकी वजह है शरीर में पॉजिटिविटी आना। इत्र का उपयोग भारत के राजा महाराजाओं के समय से किया जाता आ रहा है। हमारे देश के कई शहर विशेष तौर पर इत्र के लिए ही दुनिया भर में मशहूर भी हैं। वास्तव में इत्र लगाने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है और इत्र की खुशबू से ही लोग सामने वाले के व्यक्तित्व का भी अंदाजा लगा लेते हैं। आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि इत्र लगाने से आपको किन किन तरहों के फायदे या नुकसान हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास पेशकश सेहतनामा। आज के समय में इत्र की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई है और ज्यादातर लोग इत्र के इतने शौकीन हैं कि वो दूसरे देशों से इसे मंगाते भी हैं। अमूमन लोग इसे खुशबू पाने या फिर शरीर की दुर्गंध मिटाने के लिए लगाते हैं, लेकिन इसके फायदे सिर्फ खुशबू तक ही सीमित नहीं है। अगर आपने सुना हो तो नाभि पर इत्र लगाने से विद्यार्थियों और अविवाहितों के जीवन में शांति और प्रगति का मार्ग खुलता है। वहीं सोने के पहले अपनी नाभि पर चंदन या गुलाब का इत्र लगाकर सोने से नींद भी बहुत अच्छी आती है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है। इत्र लगाने से सिरदर्द की समस्या दूर होती है। इतना ही नहीं, इससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। साथ ही इससे आपकी याददाश्त भी मजबूत होती है। इसे अरोमा थेरेपी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक होता है। इससे आपका मूड बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है, साथ ही आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ये तो हो गई इत्र के फायदों की लिस्ट। अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। इत्र की खुशबू की वजह से आपको एलर्जी हो सकती है, जिसके कारण छींक, आंख में पानी आना, त्वचा में खुजली और जलन और आंख लाल होने तक की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इत्र बनाने में कई तरह के रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप भारी खुशबू या तेज गंध वाली इत्र लगाते हैं तो आपको एक्जिमा, त्वचा से जुड़ी गंभीर समस्याएं, तेज खुजली और यहाँ तक कि त्वचा पर रैशेज भी आ सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों की इंद्रियां खुशबू या फिर किसी भी तरह के गंध के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं और इत्र में मौजूद रसायन की वजह से कुछ गंभीर मामलों में इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है। इसीलिए इत्र का इस्तेमाल विशेषज्ञों की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।